नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker एंड MetaTrader दोनों के ऊपर बेस करके काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है या इसका यूजेस क्यों किया जाता है, उसका बारे में थोड़ा बताता हूँ। सॉफ्टवेयर बेसिकली टेक्निकल पर्पस यूज़ किया जाता है मार्केट का बिहेवियर को समझने के लिए। बहुत बंदा ऐसा सोचता है सॉफ्टवेयर ले लिया मतलब मैं ऐसा कुछ खरीद लिया हूँ जो कभी मुझे लॉस नहीं होगा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट आते रहेगा। सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर जस्ट आपको मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का कंसेप्ट समझने के लिए हेल्प करता है और आपका एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए। सपोज़ आप बिना सॉफ्टवेयर का भी अगर आप काम करेंगे मार्केट में 50% 60% मतलब एक्यूरेसी ला ही सकते हैं, मगर आपका एक्यूरेसी लेवल को अगर 70, 80, 85 तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको कोई सही थ्योरी को फॉलो करना है, देन यू गेट द रिजल्ट। तो देखिए, हम लोग का सॉफ्टवेयर में कैसे काम होता है उसका कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आज को मैं देखिए निफ्टी का चार्ट को एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। आज को 24 मार्च का मार्केट ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो क्या था मार्केट, कैसे काम करना है। हम लोग के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हम लोग तीन इंडिकेटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एक सेकेंड, तीन इंडिकेटर जो इम्पोर्टेंस देते हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो यहाँ पर आपको देखिए मेरा कर्सर पॉइंट में, आज को मार्केट आपको पता है यूजली गैप अप होकर खुला था निफ्टी, और फर्स्ट कैंडल में देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्टार दिखाई देगा। एक्चुअली वो ग्रीन हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट कैंडल का नीचे आपको एक ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, तो ये हम लोग का एक कंडीशन है। ग्रीन स्टार मतलब यहाँ से बाइंग ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। सेकेंडली हम लोग नीचे में एक रिबन दे के रखे जिसका कलर देखिए एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है। तो ग्रीन मतलब बायर स्ट्रांग हो रहा है, रेड मतलब सेलर स्ट्रांग हो रहा है। तो ये इसे भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे के नोटिस हम लोग को रखना है इसको। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नीचे का लाइन इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में देखिए मिडिल में आपको एक वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, और एक सिंपल मूवी के एवरेज जैसा लाइन आपको दिखाई देगा जो एक बार रेड ग्रीन कंटिन्यूसली होते जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया हूँ, तो जहाँ से इस इंडिकेटर का काम है, जहाँ से न्यूट्रल को ब्रेक करके ऊपर चला गया मतलब वहीं से आप बाइंग जोन में घुस चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो कल को ही ऑलरेडी हम लोग इस इंडिकेटर का हिसाब से मार्केट बाइंग में चला गया था। तो अब मैं एकदम सिंपल करंट सिचुएशन में आता हूँ। जैसा सपोज यहाँ पर सुबह को आपको बाई का कॉल दिया था, तो आज को यूजली मार्केट गैप अप हुआ था, इसके लिए ये सारा कंडीशन मैच हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है नीचे का रिबन भी ग्रीन हो गया, ये लाइन तो ऊपर था ही, स्टार भी बना था। तो क्या मैं इसमें ट्रेड करूँगा? ट्रेड करने का फाइनल कंसेप्ट यही रहेगा जो जब भी हम लोग का सॉफ्टवेयर में कोई कॉल बनता है उसका पहले देखिए हमेशा एक कैंडल दिखाई देगा जिसका कलर थोड़ा अलग किस्म का है, ब्लू यहाँ पर भी है, सेल का कॉल पर भी है, ये बाय का कॉल का पहले भी है। तो ये ब्लू कलर का कैंडल है क्या? ये ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है। आपको इस कैंडल का हाई को देख लेना है और कंसेप्ट यही रहेगा जिस कैंडल में क्लोजिंग हो रहा है उसका जो क्लोजिंग, जिस कैंडल में कॉल बन रहा है बेसिकली उसका क्लोजिंग जो है इस कैंडल का हाई का ऊपर जाना चाहिए। ये जो कैंडल है दैट इज ए बियरिश कैंडल, ग्रीन कलर पे मत जाइए। देखिए इस कैंडल के ऊपर मैंने क्लिक किया हूँ, ऊपर में इसका क्लोजिंग दिखाई दे रहा है 7797, और ये ब्लू कैंडल का हाई देखिए 7972, मतलब इतना मार्केट यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट गिर गया था। तो कंसेप्ट यही रहेगा इस कैंडल का क्लोजिंग को इस कैंडल का हाई का ऊपर होना चाहिए था, जो हुआ नहीं, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाना है। तो आपको रिजल्ट दिखाई दिया, मार्केट रिवर्स हो गया, सेल का कॉल बना। अब सेल का कॉल में भी देखिए सेम कंडीशन होगा, यहाँ पर तो कंडीशन ही मैच नहीं हुआ है, नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लाइन न्यूट्रल का ऊपर है और कोई रेड स्टार भी नहीं बना, तो इस कॉल भी उस हिसाब से देखा जाए तो फॉल्स कॉल है। तो अल्टीमेट फिर मार्केट रिवर्स किया, फिर बाय का कॉल बना। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का रिबन ग्रीन है, लाइन तो न्यूट्रल का ऊपर है ही। अब आपका मन में क्वेरीज हो सकता है जो इस कैंडल इस सिग्नल का पहले तो कोई स्टार नहीं है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, हर एक इंडिकेटर एक ही बार काम करेगा। देखिए लास्ट यहाँ पर ग्रीन स्टार दिया था, उसके बाद कहीं पर रेड स्टार नहीं आया, तो रेड स्टार नहीं आया है इसका मतलब है यहाँ पर फिर से ग्रीन स्टार देगा नहीं। आपको कंसिडर करना पड़ेगा जो मेरा ऑलरेडी ग्रीन स्टार चल रहा है, अगर रेड स्टार होता देन ग्रीन स्टार आता, अदरवाइज नॉट। तो ये बाय का कॉल में देखिए आपको पकड़ना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी तीनों कंडीशन मैच है, और इसमें भी मैं ट्रेड कब करूंगा, ब्लू कैंडल का हाई को जब तोड़ेगा मतलब इस कैंडल में। तो दैट इज द पॉइंट, 11:40 पे निफ्टी का जो पोजीशन था आपको यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेना चाहिए था, देन आपको अपना रिजल्ट दिखाई दे रहा है।
अब एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऊपर में आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन चल रहा है, दैट इज़ अ रजिस्टर्स। तो ये आपको हेल्प करता है अंदाजा देने के लिए जो कितना ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर भी निकल सकते हैं एज पर सेफ्टी, अदरवाइज देखिए मिडिल में दोनों लाइन आपस में दो ग्रीन लाइन दिखाई दे रहे हैं जो आपस में क्रॉस ओवर होके पिंक हो गया, तो दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं धीरे धीरे। देखिए नीचे का जो लाइन है वो नीचे आते रहा और अल्टीमेट मार्केट जब बंद होने वाला था तब ये ऑल्टरनेट न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा था, मतलब ये एज पर दिस इंडिकेटर आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। तो इस मार्केट में मेन चीज़ है लॉजिक, जो अगर आप सही जगह पे एंट्री ले पाएंगे देन आपको सही प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये तो है नॉर्मल सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। अब इसका साथ साथ हम लोग का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड चीज़ होता है जो हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, वो है रिपोर्ट कार्ड। देखिए मैं अभी आपका सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ, ये हम लोग का आज का रिपोर्ट कार्ड था जो हम लोग डेली मॉर्निंग को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ स्क्रिप्ट का नाम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, उसका प्रायोरिटी दिया है, बाय करना है तो किसका पर, सेल करना है तो किसका नीचे, उसका वैल्यू भी दी, मतलब कौन सा टाइम का बात करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये रिपोर्ट कार्ड को देख लीजिए और मार्केट का साथ वन बाई वन मैच करके देख लीजिए कितना आज का हम लोग का जो रिपोर्ट में आया था कितना सही है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिपोर्ट कार्ड आपको विद इन 5 to 10 मिनट का अंदर ही मिलने वाला है। मार्केट तो 3:30 बजे तक चलता है, ऐसा नहीं 5-10 मिनट में कुछ बहुत कुछ हो जाता है, मगर फिर भी 5-10 मिनट का अंदर आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा आपका सिस्टम पे। आप जस्ट इसका साथ अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर आप हम लोग का भी सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसको जस्ट टैली करके देख लीजिएगा। जैसा आज को मैं एक बार दिखा देता हूँ, मदर सुमी आप देख लीजिए, महिंद्रा फाइनेंस देख लीजिए, जो सेल दिया गया था ITC में सेल दिया था, इंपार्टेल में सेल दिया था, भारत फौज में बाई प्रायोरिटी था, DBC लैब में सेल था, गेल में सेल था, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में सेल था, ये इस सारा इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसका वैल्यू भी बताया गया है, अगर बाई है तो कौन सा ऊपर, सेल है तो कौन कर लीजिए, वन बाई वन चेक कर लीजिए, आपका मन में जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, जो बाकी रिजल्ट आपको आफ्टर 3:30 कितना मैच हुआ है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस मार्केट रिलेटेड आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है देन डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मेरा पूरा डिटेल्स दिया है, अब वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।